Namaste and hello. I am Sakshi and you are watching Vibes of India. Today we are here with the star cast of an upcoming urban Gujarati movie, Trepan Mupanu. So let's go and hear it with the stars themselves, what they have to say about their movie and have some talk with them. So we have Kartavya with us, who is the director of the movie Trepan Mupanu. So sir, I have some questions with you. My first question to you is that what message are you giving to the society through this movie? क्या होता है कि सोसाइटी में कि कभी भी कोई सिचुएशन क्रिएट होती है, कुछ कहीं पर दंगा हो रहा है, कहीं पर एक्सीडेंट हुआ है, तो जब ये सिचुएशंस सब लोग देखते हैं तो उसमें रिएक्ट नहीं करते, सिर्फ ऐसा ही बोलते हैं कि ये बेचारा का एक्सीडेंट हुआ, ये हुआ, कोई सामने आके कुछ एफर्ट नहीं लगाता है। तो बेसिकली हमने इस फिल्म में यही मैसेज दिया है कि जब जो कुछ भी सिचुएशंस अपने ऊपर आती है तब हमको रियलाइज़ होता है, वो मैसेज के साथ हमने ये फिल्म बनाई है। सो व्हाट लाइक वाज देयर एनी प्रॉब्लम ड्यूरिंग द शूट यू फेस्ड? नहीं, शूटिंग के दौरान कुछ प्रॉब्लम्स नहीं हुआ है, हमने बहुत ही अच्छी तरीके से मज़े से ये फिल्म बनाई है और सब लोगों को पसंद आएगी, ऐसी ही हमारी सिर्फ इच्छा है, अभी देखते हैं क्या होता है। थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग माई क्वेश्चन। तो आर्जव, ये आपकी पैंडेमिक के बाद पहली मूवी है? जी, पैंडेमिक के बाद ये फर्स्ट मूवी है और बेसिकली दूसरी दो लाइन में आ रही है, तो ये पैंडेमिक के बाद ये फर्स्ट मूवी है। सो हाउ हैप्पी आर यू वर्किंग आफ्टर पैंडेमिक इतना फ्रीली विद ऑल द टीम? मास्क वास थोड़ा आपने सेफ्टी और कंटिन्यू रखी या यू वर वर्किंग फ्रीली? नहीं नहीं नहीं, वो हमारे साइड पे ऐसा था कि सब लोग, हम लोग प्रोडक्शन में ही था कि मास्क के जो बंचेज आते हैं वो वहाँ पे रहते थे, अगर किसी ने नहीं पहना हो तो वो उसको दे, मतलब कोई भी बंदा आता था और बोलता था कि भाई पहन लो, तो हम मास्क और बाकी की जो भी सैनिटाइजर और जो भी सेफ्टीज थी वो सबको फॉलो करते थे। ये तो एक्टर्स के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है हालांकि, लेकिन फिर भी आपने प्रिकॉशंस लिए हैं, बहुत अच्छा लगा है सुन के। तो ये नाम किस बेस पे रखा? जी, त्रेपन मुपानु, जिसको गुजराती में त्रेपन मुपानु बोलते हैं। हम कार्ड्स खेलते हैं तो आप सबको ये तो पता चल ही गया होगा कि ये जो पन्ना होता है वो जॉकर होता है, तो वो गेम के अंदर ऐसा है कि बाजी बिगाड़ भी सकता है और गेम अच्छी भी कर सकता है। तो ये जो 53 मा पन्ना, मतलब कि 53 मु पन्नू, ये जे फिल्म छे, ये सस्पेंस थ्रिलर और ड्रामा जेनी अंदर जिसके अंदर फ्लेवर दिया हुआ है, तो उसके मुताबिक ये टाइटल उस पर शूट कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, तो व्हाट पीपल आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम दिस मूवी? मुझे ऐसा लग रहा है कि सोसाइटी के अंदर बहुत कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो नहीं होनी चाहिए, हम सबको पता है, क्योंकि हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर को पूछते हैं कि सर मेडिसिन देते हैं, तो हम पूछते हैं कि सर हम आज से क्या खाए क्या ना खाए, तो हम सबको पता है कि क्या खाने से क्या शरीर में दिक्कतें होती है क्या नहीं होती है, फिर भी हम पूछते हैं। तो ये प्रॉब्लम है कि सोसाइटी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है लेकिन हम अवॉइड कर रहे हैं कुछ ना कुछ तरीके से, तो कुछ लोग जो स्टेप आगे नहीं लेते कि हम जाके ये जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए, कुछ लोग हैं जो वो सेवा करते हैं, वो उसको सुधारने के लिए आगे आते हैं। तो मैं ये बोलूँगा सबको कि ये फिल्म देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आप जो भी सोसाइटी में बुरी चीज़ें हो रही है उसको सुधारने के लिए सब लोग आगे आए और एक स्टैंड लें। This is a very good message to the society. Thank you so much for answering my. Hello and namaste. So now we have Kinjal from the movie Trepan Mupanu. And Kinjal, we want to know that what role are you playing in this movie? Hello, namaskar. My character's name in the film is Rutu Mehta. So Rutu Mehta basically is a journalist in the film. तो ये एक बहुत ही नया कैरेक्टर है मेरे लिए एज एन एक्टर, और ये बहुत ही रिलेटेबल कैरेक्टर है आपके लिए एज अ व्यूअर। ओके, सो लाइक हाउ मच डू यू रिलेट टू दिस कैरेक्टर इन योर रियल लाइफ? प्रिटी मच एक्चुअली, बिकॉज दिस कैरेक्टर इज़ वेरी सेंसिटिव, शी इज़ वेरी इमोशनल एंड शी वॉन्ट्स जस्टिस टू हैपन विथ एवरी थिंग दैट इज़ गोइंग रॉन्ग इन द सोसाइटी। तो ऐसी हर वो चीज़ जो गलत हो रही है वो शायद ये कैरेक्टर को नहीं अच्छा लग रहा है, शी कैंट सी इट, शी वॉन्ट्स टू चेंज इट, बट वेदर द मेथड टू डू सो इज़ द क्वेश्चन इन द गेम।
वो जो रास्ता अपनाती है जस्टिस को लड़ने, जस्टिस के सामने लड़ने के लिए, क्या वो सही है क्या वो गलत है, वो 29 जुलाई को पता चलेगा जब 53 मुपानो रिलीज होगी थिएटर्स में। ओके, सो आई वांट टू नो कि इस रोल से आपने कुछ सीखा है ड्यूरिंग द शूट? और यस, एज आई सेड दैट एवरी कैरेक्टर और एवरी एक्टर, जब कोई कैरेक्टर निभाता है, वी वेयर दैट कैरेक्टर, वी वेयर द स्किन ऑफ दैट कैरेक्टर। एंड जब भी हम कैरेक्टर वो प्ले करते हैं, उसके बाद वो कैरेक्टर का कुछ हिस्सा, कुछ अंश हम में रह जाता है। बट आई थिंक दिस कैरेक्टर हैज़ इंस्पायर्ड मी सो मच, बिकॉज एज वी ऑल नो, आजू बाजू इतनी सारी चीज़ें होती हैं, इतने सारे इंसिडेंट्स बनते हैं जिसके लिए हम लोग चाहते हुए भी हम कभी वॉइस नहीं कर सकते। अ लिटिल थिंग दैट यू सी अराउंड विच कैन क्रिएट अ डिफरेंस इन द सोसाइटी, जो वी माइट थिंक के यार ये करना था बट नहीं किया, वो जो नहीं करते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द सोसाइटी टूडे, बिकॉज वी ऑल आर ब्लेस्ड विद द OTT प्लेटफॉर्म्स, विद द सोशल मीडियाज, वेर वी हैव अ विंडो टू कम्युनिकेट डायरेक्टली टू द ऑडियंसेस। सो वेर एवर यू फील, वॉट एवर यू फील विच इज़ गोइंग ऑफ द ट्रैक, विच इज़ नॉट रियली राइट टू द ह्यूमन काइंड, आई थिंक दैट इज़ वॉट आई हैव लर्न फ्रॉम दिस कैरेक्टर, टू गो आउट एंड टॉक अबाउट इट, नॉट टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज, बट एक्चुअली अडेप्टिंग दैट थिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग इट इन टू माई लाइफ। Wow, such a good message to the society. I'm sure this movie is going to boom in box office. Thank you so much for answering my questions. Thank you so much. So my first question to you is that what role are you playing in this movie? Well, I'm playing a role of Dr. Sanjay Shah, and he is one of the prime characters of the film. And it's definitely, as you've seen in the trailer, it is a gray-shaded character. But, he is not negative, he is not completely positive, and that the exact thing about my character you will come to know once you watch 53 Mupanu. Okay, so I want to know why you chose to shoot in this movie. What was the thing which made you do this movie, in this story? Simple. I always, when some subject is being narrated to me, I always, as I told in the conference as well, I always listen to a subject not as an actor, as an audience. So as an audience, if I am enjoying that narration, that means that if I be the part of that particular film or a story, my audience is going to enjoy it as well. So first of all, I love the story. I knew the director Kartavya since quite a long time, and I love the way he works. I really love the way he works. He's very, very professional, very sharp with his work. And my co-actors, now Chetan, now done quite an ample of films with him, Kinjal, so everyone, Arjav. So it's a nice team. And see, first of all, my basic motto after so many years in this industry is, whatever I do, I myself should enjoy. So that's the reason, and I enjoy. And if I enjoy, my audience is definitely going to enjoy. So how much do you relate to the character you are playing in the movie? No, actually, no actor ever relate themselves to the character, because we get into that character for that particular moment when we are performing. So I related in other way that I shouldn't be doing anything what my character has done. But while performing that particular character, I should be doing all the possible scenes with full belief. So which I'll never do it in my real life. Okay, so did you learn something personally through this character which you... Yeah, exactly. Implemented in your life? I understand only one thing, that if something wrong is going on around you or in society which is affecting you, sometimes it might not be affecting you, but it is affecting the society or someone else, you should stand up and raise your voice, then only it'll get some kind of change. It's like Mahatma Gandhi always told, that be the change you want to see in the society. So that's what it is. So I learned that thing. Hi, maru naam che Chetan, Chetan Daya. Gujarati film aavi rahi che 53 Mupanu. 53 Mupanu etle kyare na khulelu panu etle 53 Mupanu. Gujarati cinema ma satat evu kevaye che ke subjective filmo nathi banti. Ame etle j apdi aaspas banta vishay vastu vaadi
फिल्म बनावानो प्रयत्न कर्यो छे जेथी लोकोने एवुं थाय के आ वात लोको सुधी पहोंचवी जोईए अने एटली एक एवो विषय छे के जे आपणे सतत आपणी आजूबाजू बनता जोयो छे અને જ્યારે બનતો હોય છે ત્યારે આપણે ચૂપ હોઈએ છીએ, આપણે રિએક્ટ નથી કરતા. તો આપણે રિએક્ટ ન કરવાના કારણે કેટલું બધું થાય છે એ તમને કદાચ આ ફિલ્મથી ખબર પડશે. તો આપને ઇસમેં કિસકા રોલ નિભાયા હે ઓર આપને ઉસસે ક્યા સીખા? ઇસ ફિલ્મમાં મેરા જો કિરદાર હે વો લોયર હે, એડવોકેટ અભય મજમુદાર, જિસને બહોત સારે કેસ કહીં ભી ઘુમા દીએ. તો લોયર કા જો દિમાગ હોતા હે યે ઉસી કા હી ટેગલાઇન હે કે વો બોલતા રહેતા હે કે જો હમ पत्ते खेलते हैं ना तो पत्ते होते हैं वो इंसान के हाथ में होते हैं, लेकिन कब कौन सा पत्ता निकालना उसकी सोच जिसके पास होती है ना वो पूरी गेम को जीतता है. तो इसी को वन लाइन है तप्पन मुपानू. तो एक सात्विक वकील का कैरेक्टर मैंने परफॉर्म किया है, तो आप देखेंगे तो आपको मजा आएगा. आप ऐसा कहेंगे कि गुजराती फिल्मों में भी ऐसी बातें होनी चाहिए. सो डू यू रिलेट टू दिस कैरेक्टर इन योर रियल लाइफ? नो 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 रिलेट. मैं एक्टर हूँ और वैसे मास्टर ऑफ ड्रामेटिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मैं लेक्चरर भी हूँ पर लॉयर. ओके, तो इस मूवी के दौरान आपने कुछ एक्सपीरियंस किया? डिड यू एक्सपीरियंस समथिंग डिफरेंट, यू लर्नड इन योर पर्सनल लाइफ समथिंग ड्यूरिंग द शूट? ड्यूरिंग द शूट मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हुआ ये है कि जब भी मैं कैरेक्टर को परफॉर्म कर रहा था, ये अभय मजमूदार को, तो मुझे लगा कि ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये अभय मजमूदार जो है ना वो करवा रहा है मुझसे, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में किसी के साथ ऐसे बात नहीं की है. पर वो कैरेक्टर वो करता है, वो रूडली बात करता है, कभी हंसता भी है, कभी आपकी लेता है, आपको पता नहीं चलता क्यों. तो इस तरीके से जो ये कैरेक्टर था तो मुझे लग रहा है कि इसमें मैंने कुछ नहीं किया, जो किया अभय मजमूदार ने मुझे साथ में ले जाकर किया. सो व्हाट पीपल आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम दिस मूवी, कैन यू गिव अस, टेल अस अबाउट इट? पीपल हम ये देखते हैं कि हमारे आसपास कहीं भी कोई भी सोशल घटना होती है तो हम क्या करते हैं, हमारी बात नहीं है, वो तो उनकी है तो वो कर लेंगे. हाँ, तो सही में क्या है कि वो हमारी बात ना हो उसके लिए हमें सबसे पहले आगे आना चाहिए, नहीं तो अगर आज आप नहीं बोलेंगे तो कल आपकी बात हो सकती है. और रिपोर्टर के तौर पर हम जिस तरीके से जो सच में समाज के लिए सही है वो दिखाना चाहिए, नहीं कि हम किसी को अच्छा लगे इसलिए बता रहे हैं कि यहाँ से पैसा आ रहा है इसके लिए बता रहे हैं, कि ये नहीं होना चाहिए. एक रिपोर्टर का काम ये होता है कि हमारे आसपास जो घटनाएं घटित हो रही है उसको निष्पक्ष बताए, उसको दिखाए. तो एक रिपोर्टर वाला कैरेक्टर भी है इसमें, जिसमें आप देखेंगे कि उसका काम यही है. और हम ऐसे रिपोर्टर को ये फिल्म डेडिकेट करते हैं कि जो सत्य के लिए लड़ा है, जो सत्य के लिए शायद बोलता रहता है, तो ऐसे रिपोर्टर के लिए ये फिल्म है. थैंक यू सो मच सर, हम लोग वेट कर रहे हैं इस मूवी को देखने का, जस्ट बिकॉज आपने बताया कि ये हम लोग अपनी पर्सनल लाइफ में भी देख सकते हैं इसको. 29 जुलाई को ये फिल्म रिलीज़ हो रही है. सो अहमदाबादीज प्लीज़ गो एंड वॉच. थैंक यू सो मच सर. सो वी हैव जय भट्ट फ्रॉम दिस मूवी त्रेपन्नू पन्नू. तो सर मेरा पहला सवाल ये है दैट वॉट रोल आर यू प्लेइंग इन दिस मूवी? आई एम प्लेइंग अ कैरेक्टर कॉल्ड तेजस, एंड व्हेनेवर यू आर टेलिंग अ स्टोरी we usually look out for a catalyst, you know, what churns the entire story, what initiates the entire story, what becomes the source of the story. So there has to be a central incident which comes across in front of people, which puts them into turmoil, and then ultimately it drives them to achieve something. So I'm very fortunate to be a part of a story which is where I'm, you know, playing a catalyst in the entire narrative. So did you personally relate to this character in your real life? No, I did not. There's nothing as such which that character went through, and probably that was one of the biggest reason why I could play that character, because when usually it is being said that if you are playing a character which you've already gone through, it becomes very hard for you to enunciate or portray in front of camera. But for me it was entirely a new experience in terms of understanding that character, changing the cadre of the character, and ultimately going through the journey of the character. So what message this movie is going to give to the society, why we should watch this movie? See, there is every if you have gone through the trailer, and if you go through the trailer, whatever you are able to understand out of it is going to be the driving force for you to watch the movie. So when you watch the trailer, you might end up relating to a character which is very much shrewd, or you might end up relating to a character which is very much docile, or you want to understand what journey this character is going. So
whatever take you have on those characters with respect to the trailers is going to be the driving force for you to watch the trailer. So I will not, I would not want to reveal everything that aapko isliye dekhna chahiye ya isliye dekhna chahiye, but if the trailer itself is very much powerful for anyone to realize that this is the reason why I will watch, and this is one of those films which has got everything for everyone. So hopefully it helps people to watch it further. Okay, thank you so much, sir, for answering my questions. So now you know Threepanmu Paanu title is based on its story and plot. So do watch this movie. It's getting released on 29th of this July. Thank you so much.